नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं रूबिका लियाकत। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर में खड़ी हूं, तो आपके जहन में क्या आएगा? हो सकता है आप किसी डेवलप्ड नेशन के बारे में सोचे, शायद आपके जहन में अमेरिका आ जाए या रशिया आ जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूं, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है, शेल्टर है, नाम है उसका वन तारा, और उस वन तारा के दिल में धड़कता है वो दिमाग, वो चेहरा जो आज हर किसी के जहन में समाया हुआ है। मैं इस वक्त इनवाइट करना चाहती हूं धीरूभाई अंबानी के पोते मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को। बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। ये आपका पैशन है कि प्रोफेशन है? ये मेरा पैशन है और ये तो मेरा एक, हमने ये पूरा ये सोच रचाया था बचपन से ही। माताजी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मैं, मेरे घर में माताजी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सेंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माताजी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है और वही एक ऐसी चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। तो इस विचार से हमने ये काम बचपन से चालू, बचपन में हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो पालतू जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियाँ, खरगोश, जो सुअर, सबसे हमने चालू की थी। मुंबई में करजत में 100 एकड़ में हमने उस समय 1,00,000 पालतू जानवर का चालू किया था। फिर हम सोचे जामनगर कैसे आना हुआ, मतलब आप कह रहे हैं करजत में थे, मुंबई में सब कुछ आपके पास था, माँ ने बचपन से एक एक पूरा बेस बनाकर रखा था, अनंत अंबानी जामनगर कैसे आ गए? तो मेरे दादाजी और मेरे जो दादी जी है, दादी जी जामनगर के हैं। तो दादाजी ने एक सपना सोचा था कि हम जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाए। पिताजी ने वो सपना साकार की दादाजी की। पिताजी ने यहाँ खुद जामनगर में 10 से 12 साल रहकर ये रिफाइनरी बनाई जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। अब यहाँ न्यू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए। इसके लिए सोचा माताजी ने, मेरे माताजी ने जामनगर में 1,000 एकड़ पर एक जंगल खड़ा कर दिया। आप तो एयरपोर्ट से आए होंगे तो आजू बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर जमीन है, बट यहाँ आप देखोगे तो आपको झाड़ी झाड़ देखा जाएगा। तो माताजी ने ये पूरा बहुत मेहनत की 1995 से, बचपन से मेरा घर यही है। मैं जितना मुंबई का हूँ उतना जामनगर का हूँ। तो हम यहाँ बसे तो माताजी ने तो यहाँ पूरा एक टाउनशिप बनाया, हमारे जो कर्मचारी है उनको रहने के लिए ऐसे टाउनशिप बनाया जैसे आप अगर वहां जाओगे तो आपको लगेगा आप कैलिफोर्निया में। आप तो देख ही होगे कैलिफोर्निया में। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गिर गया है जी, और मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है अब हरियाली दिखती है हर जगह पर। हमने टोटल यहाँ 8.5 करोड़ झाड़ लगाए हैं। 8.5 करोड़ माताजी और पिताजी ने 8.5 करोड़। रिफाइनरी तो है ही बट साथ साथ में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है। वो जो तस्वीर हमने देखी थी कॉन्डोलिज़ा राइस के हाथ में एक बास्केट था, उसमें केसर के आम थे और कहा गया था कि वो धीरूभाई अंबानी के बाग से आए हैं जी। लेकिन अनंत अंबानी ने ये कब सोचा कि यहाँ पर तो जब मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे, रणथंबोर, गिर, बांधवगढ़, काजीरंगा, पेंच, हम सब बचपन में जंगल, पापा खाली एक ही समय पापा हमें छुट्टियां में लेके जाते थे, वो जंगल होता था, हम और कहाँ छुट्टी जाते ही नहीं थे, जंगल। तो हमें वाइल्ड लाइफ का बहुत प्रेम था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं समझता गया, मैंने सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं मेक्सिको गया,
कि मैक्सिको में तो सर्कसेस अभी भी अलाउड थे। मैक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे। तो मैं सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। भारत में रोड एक्सीडेंट से तेंदुआ गिर जाता है, रोड एक्सीडेंट से कभी कभी टाइगर जो बाघ है उसको चोट पहुंच जाती है, भालू जो रीच होता है उसे भी कभी कभी बहुत दिक्कत में आ जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुआं में गिर जाता है, कभी तो कैंसर हो जाता है। तो हमें मैं सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए, पशु के लिए, जो हमारे जो साधारण पशु है, जो फार्म एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम लोग हैं। मैंने इसीलिए वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने का सोचा। तो जब अनंत अंबानी के मन में ये विचार आया तो वो पहला शख्स कौन था जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और उसका रिएक्शन क्या था? मम्मी थे, मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी ने पहले बार कि इसलिए आपको टीम जरूर, अकेले आप नहीं कर सकते हो तो आप एक टीम खड़ा करिए। पापा के पास गया तो पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है तो जो भी करना है दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहिए तो ही आप करिए, और इससे जानवरों का भला होना चाहिए। अगर आप जानवर का भला के लिए करना चाहते हैं तो जानवर, बट करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा। तो मैंने उस तो ये से प्रेरणा ली, सबसे अच्छा मैंने बहुत कोशिश की। आपने तो पूरा घुमाई होगा, मैं अभी तो मैं दुनिया का अच्छा बोली, क्योंकि अभी तो आप खाली 10 या 25% ही खत्म हुआ है, बहुत समय लगेगा। और मुझे अपने दर्शकों को, अगर आनंद जी ये बात अगर मैंने नहीं बताई तो ये नाइंसाफी होगी, पिछले 7 घंटे से अनंत अंबानी हमारे साथ है, हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो हमने, आनंद जी खुद बता रहे हैं कि 40% ही घूमा है। कितना बड़ा ये इलाका है, यहाँ कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचाया आपने अभी तक? हमने ये 2,000 से 2,500 एकड़ में बनाया है रेस्क्यू सेंटर। यहाँ का हॉस्पिटल जो है इसमें 6 सर्जरी सेंटर्स है, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI मशीन है जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, CT स्कैन है जानवरों के लिए, रोबोटिक सर्जरी मशीन्स है, लैब है जिसमें 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं, और लैबोरेटरी स्पेशलिस्ट भी यहाँ काम करते हैं। मतलब वो सुविधाएं ऐसी हैं कि आप किसी शानदार 5-स्टार जो ह्यूमन बींग्स के हॉस्पिटल होते हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ, इतनी शानदार यहाँ पर सुविधा है। लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है अब तक? हमने यहाँ 25,000 से ज़्यादा जंगली जानवरों को रेस्क्यू किया गया है, और हमें बहुत सारे जानवरों का ध्यान भी रखा गया है। हम यहाँ से टीम्स पूरे भारत में सब जगह भिजवाए, जूज में भिजवाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और मैं देश के हर एक फॉरेस्ट अधिकारी, उनके कर्मचारी से अधिकारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण हमारे जंगल बचे हुए हैं।